हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 6.3 में आपको पिछले लेक्चर्स में 7th एंड 8th क्वेश्चंस के सुनाओ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा जा चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 9। इस हम लेक्चर्स में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10th आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपके ये रहे क्वेश्चंस एंड ये रहे फिगर्स आपके मिडिल में। इन मिडिल्स आपको मिलेगा कुछ अलग प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में आपके सॉल्यूशंस होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इन फिगर 6.39। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों ये रहा आपका फिगर। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम आपको ये प्रोसेस करवाते हैं। 6.39 ये आपका फिगर रहा। ए बी सी एंड ए एम पी, जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी इसमें बी क्या है 90 डिग्री का है एंड ए एम पी में यम आपका 90 डिग्री का है। ओके फिर दिया गया आर टू राइट ट्राइंगल्स, जो कि आपके राइट ट्राइंगल्स हैं एंड राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। और बताए गए हैं कि राइट एंगल जो एंगल्ड हैं, कहने का मतलब राइट एंगल इट्स मींस 90 डिग्री बनाने वाले एंगल। राइट एंगल समझ रहे हैं 90 डिग्री बनाने वाले, जैसे आपके ये रहे फिगर्स ये बन रहे हैं ना। तो ये जो प्रोसेस है ये 90 डिग्री का है, इस ये प्रोसेस भी 90 डिग्री का। पूरे मिला के जब ऐसे बनाते हैं गोले टाइप में पूरा कितना होता है 180 डिग्री का, नीचे भी ना वही 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके नाउ ये आपको पता हो गया, कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं? प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों। ऑलरेडी चलिए देख सकते हैं कि प्रूफ दैट, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट कंडीशंस होगी ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ट्राइंगल ए बी सी आपके सिमिलर कैसे होंगे ए एम पी के। और नाउ सेकंड वाला देखते हैं सी ए अपान पी ए। ऑलरेडी हम जान चुके हैं जब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी होता है इट्स इंडिकेटिंग टू सेकेंड प्रोसेस सी ए अपन पी ए। किस कंडीशंस में आप देख सकते हैं, पढ़े हैं थ्योरम फर्स्ट यानी बी पी टी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं सी ए अपन पी ए। ओके इतना कंडीशन हुआ, नाउ इक्वल टू बी सी अपन एम पी, बी सी अपन एम पी। तो चलिए हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले दिया गया हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी में। इसमें ना हम देखते हैं कैसे करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी वी हैव, हम यही दोनों ट्राइंगल क्या करते हैं ले लेते हैं, गेस लगा लेते हैं। अब आपको ना करना क्या है कि ए एम पी कर सकते हैं एंगल ए एम P इक्वल टू एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। नाउ दिया कितना गया है 90 डिग्री का, कैसे किस कंडीशन में, ये अभी हम आपको पहले वाले में बता चुके हैं बी 90 डिग्री है एंड इसमें एम 90 डिग्री। ओके इतना आपका हुआ, तो ए एम पी एंड ए बी सी ये दोनों आपके क्या हो गए 90 डिग्री, फर्स्ट एंगल मिल गया। अब नाउ सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको फोर प्रोसेस बताए थे बच्चों, एंगल 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 साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। इट्स कॉल्ड टू फोर स्टेप्स इज डूइंग टू कंडीशंस सिमिलरिटी। सिमिलर करने के लिए यही फोर प्रोसेस लगते हैं आपके, एंगल 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 एंगल्स एंगल्स सॉरी साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड, तो आपके ये स्टेप हो गए। अब नाउ सेकंड वाला स्टेप करते हैं, एंगल तो मिल चुका है, अब हम अगर प्रोसेस करना चाहें तो ए बी सॉरी एंगल कर सकते हैं, एंगल आप कर सकते हैं सी ए बी, सी ए बी इक्वल टू एंगल एम ए पी, एंगल एम ए पी। किस कंडीशन में, इसमें भी ए है इसमें भी ए है। ओके तो ए बी सी लेते हैं तब भी ए आता है, ए एम पी लेते हैं तब भी ए आता है, एम पी पी एम क्या बात है, पीएम है ना प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा कंडीशंस मत अपनाइए आप, ऑलरेडी पढ़ते रहिए। तो दोनों में कॉमन आपका ए है, तो इसे हम नाउ लिख सकते हैं किस कंडीशंस में, कॉमन कॉमन हो गया। अब आपको
ये भी एंगल्स, ये भी एंगल्स कर सकते हैं बाय, लिखेंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी किस कंडीशंस में, एंगल एंगल, ये भी रहा एंगल, ये भी, और ध्यान रखिएगा एंगल यानी कि कोण एंड ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ओके। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हो क्या जाएगा, ट्राइंगल, यही कंडीशंस, ए बी सी इज पैरा सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी की, नाउ ये प्रोसेस हुआ हैंस प्रूफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो एनी टाइम हम आपके लिए हैं ही, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी के सेकंड वाले मेथड में हम जस्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नाउ सेकंड प्रोसेस देख लेते हैं। सेकंड दिया गया है, गिवन किया गया है सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान एम पी। तो नाउ ऐड करते हैं सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान एम पी। कुछ आपके माइंड में प्रोग्रेशन हो रही है, यस इस बच्चे हो रहा होगा, ये एक ये आपको मेथड बता दिया जा चुका है, जबकि हम ये सॉल्व कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं पूरी कंडीशंस, ये वाला जो दिया गया है पूरा कंडीशंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी एज एबव, एज प्रूफ टू एबव। अभी जस्ट ऊपर वाले इस कंडीशंस में किया गया था, ये पूरा ऊपर वाले में किया गया था, तो हम करेंगे एज प्रूफ एबव, ये ऊपर क्या किया जा चुका है, प्रूफ किया जा चुका है। नाउ जब ये कंडीशंस आपके सिमिलर हो सकते हैं, जब हो गए हैं, तो ये कंडीशंस ऑलरेडी आपके सिमिलरिटी इंडिकेट करेंगे, सॉरी ये कैपिटल में रहेगा, ये स्मॉल में नहीं रहेगा। सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान एम पी, एम पी मध्य प्रदेश, पी एम प्राइम मिनिस्टर, क्या बात है, दोनों में बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है ना। तो ये देखेंगे हैंस प्रूफ, और पी एम से आपके मैम का भी नाम, इट्स मीन्स मेरा भी नाम हो रहा है प्रिया मिश्रा, या प्रिया मैम, कुछ भी कर सकते हैं आप समथिंग। तो ऑलरेडी आप पढ़ते रहिए और प्रोग्रेसिंग आप करते चलिए। तो नाउ तो ये हो गया 9 क्वेश्चंस। अब चलिए हम तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और मिलते हैं इसी लेक्चर्स में, दूसरे में नहीं जाना है दोस्तों, इसी लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करेंगे। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि नहीं आपको प्रोसेस कैसा लगा बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसी लेक्चर्स में हम 3rd क्वेश्चन यानी इट मीन्स 10th क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए बच्चों ये स्टार्ट करते हैं, हम आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आपका 9th वाला इजी था, ऐसे ही इजी मेथड क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच, थोड़ा सा इधर देखते हैं, आपका दिया गया क्वेश्चन सी डी एंड जी एच, ये आपका सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं भैया, सी डी एंड जी एच ये बाइसेक्टर्स हैं। अरे भैया कोई भी ट्राइंगल्स होता है जब उसके बीच में बाइसेक्टर कर रहा है तो बाइसेक्टिंग कंडीशंस हुआ, तो ये सी डी एंड जी एच बाइसेक्टिंग की कंडीशन है, वो भी एंगल ए सी बी के, ए सी बी के एंड फिर ई जी एफ, ई जी एफ के, ओके। तो ई जी एफ एंड ए सी बी के एंगल्स के ये बाइसेक्टर्स हैं, सच दैट बताया गया है कि डी एंड एच, डी है जो बाइसेक्टिंग कर रहा है सी से, एंड जी जो है एच से बाइसेक्टिंग की कंडीशन ले रहा है। लायन साइड्स ए बी एंड एफ ई, वो किस साइड से होगा, डी आपका ए बी साइड पे, ए बी साइड पे डी, ये नहीं है कि इस साइड घुमा दें, नहीं, ध्यान रखिएगा। एंड ये जो एच है पॉइंट वो एफ ई पर होगा, एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी, तो कंडीशंस पूरी बन जाती है ए बी सी एंड ई एफ जी के रिस्पेक्टिवली बताया गया। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज पैरा सिमिलर टू एफ ई जी, यदि बताया गया है, ये कंडीशंस दिया जा चुका है बच्चों कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी के, ये दोनों आपस में सिमिलर हों, तो सो दैट आपको शो करना है फर्स्ट कंडीशन सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एस जी, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। तो नाउ हम कैसे देख लेते हैं उसको, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो तो सबसे पहले आप
स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चंस विद आपके फिगर, फिर हम नाउ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो रहे आपके क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये तो रहा आपका क्वेश्चंस। फिर हम देख लेते हैं आगे का दिया गया है सॉल्यूशंस पे बात। सबसे पहले हम ये करेंगे कि नाउ फर्स्ट कंडीशंस ये दिया गया है सी डी अपान जी एच, पहले दूसरा आता है पहला, पहले पहला आता है, पहले पहला सॉल्व करते हैं ए सी अपान एफ जी, पता लगे दूसरा नहीं मैम दूसरा इजी है, पहले दूसरा इजी, अरे नहीं भैया पहले पहला मेथड करते हैं फिर सेकंड वाला करते हैं। तो इसमें हो गया, हम इसमें नाउ लिख सकते हैं आपको, यानी कि रिस्पेक्टिवली ये पूर्ण रूप से दिया जा चुका है, ये हम कंडीशंस गिवन कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज पैरेलल ट्राइंगल एफ ई जी, ये क्या है किस कंडीशंस में गिवन, यानी कि ये कंडीशंस जो है आपको दिया जा चुका है गिवन। तो हम यहाँ पे कंडीशंस लिख लेते हैं गिवन, ओके ध्यान रखिएगा जो जो भी रीजन लिखते चलें उसका कंडीशंस लिखते चलेंगे, गिवन हुआ। अब ना हम लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी में जब ए एफ ई जी कर सकते हैं तो एंगल तो आपके इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी पढ़े हो कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन इंट्रोडक्शन जाइए तुरंत फटाफट पढ़ लीजिए, एंगल ए इक्वल टू बी के मत करिए एफ के करिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, चलिए बोलते रहिए साथ साथ बच्चों, एंगल सी इक्वल टू किससे जिससे मजा आए पढ़ने में ना एंगल जी। तो ये आपके नाउ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अरे भैया ये सिमिलरिटी बताई गई है तो उससे एंगल्स हम निकाल ही सकते हैं, देन हम कुछ कर सकते हैं प्रोसेस इसमें कुछ नाउ अपने आप से कर सकते हैं, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी लिख दे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, क्यों क्योंकि ये देख रहे हैं पूर्ण रूप से ये कम्प्लीटली है, बट ये जो सी है इसका हाफ कटिंग किया गया है, एक तो बी सी डी है दिख रहा है, एक ए डी सी डबल ट्राइंगल्स दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए ध्यान से देखिए इसमें भी ई जी एच एंड एफ एच जी डबल ट्राइंगल्स, तो हाफ सी, अरे भैया जैसे ए इक्वल टू एफ हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, वैसे एंगल हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपके प्रोसेस हो गए। चलिए नाउ इतना हम देख लेते हैं आपके क्यों किया गया है, लिख भी ये भी लिख सकते हैं बिकॉज सी डी, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स ऑफ किस कंडीशंस में, ए बी एंड ई एफ, ए बी एंड ई एफ, ये सी डी एंड जी एच जो है बाइसेक्टर्स की कंडीशन है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बाइसेक्टर्स की कंडीशन है सी डी एंड जी एच, तो हाँ सही है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ई एफ, वो भी ए बी की एंड ई एफ की, इतना आपको नाउ सॉल्यूशंस पता लगा। और ये भी अगर ना समझ में आए ए बी एंड ई एफ तो आप फटाक से किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी एंड इससे मिला हुआ है एंगल जी के, बस बात खत्म, एंगल जी, ओके तो सी डी एंड जी एस किसके किसके बाइसेक्टर्स रहे, एंगल सी के एंड एंगल जी के, नाउ इतना प्रोसेस आपका हुआ। अब इसमें बताया जा चुका है सी डी अपान जी एच ए सी अपान एफ जी, आपको सॉल्यूशन ले आने हैं। तो नाउ हम फर्स्ट स्टेप में आप चलते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे फिर आपको आगे बताएंगे, इतना हुआ। चलिए फर्स्ट कंडीशंस आपको पता है, चलिए अब इसी में हम फिर प्रोसेस देख सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, इसी के आगे हम जब वो लाइन लिखे थे तो वो लाइन्स हम बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं है, क्योंकि ये जब एंगल सी है तो ये हाफ में है, अरे भैया कैसे था, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी, यही तो दिया गया था, यही तो लाइन हम रिमूव किए, यही लिखे थे, तो इसको लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री के, इक्वेशन नंबर फोर्थ बना लिए, एंड एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के, ये इक्वेशन नंबर हम फाइव बना लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ओके यहाँ तक नाउ मेथड समझ में आ गया। अब हम डालते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपको नाउ करना क्या था, हम ले लेते हैं ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी एंड ले लेते हैं एफ एच जी ट्राइंगल एफ एच जी में, ये फेस जी में बात करते हैं, तो नॉट ट्राइंगल ए सॉरी एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, कैसे फर्स्ट कंडीशन से, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हुआ, ये दिया गया है फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से फर्स्ट कंडीशन हो गई, क्योंकि कोई भी आपको इक्वेशन सॉल्व कोई भी मेथड आपको लगाना है तो सिमिलरिटी के लिए फोर स्टेप लगते हैं, एंगल एंगल
एंगल एंगल एंगल, उसके बाद साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल देखते हैं क्या क्या मिलता है। फर्स्ट तो एंगल मिल गया, अरे भैया ए डी सी लिए हैं, एफ एच जी दो लिए हैं, इसमें भी ना हो ये भी देखेंगे, अभी तो ये ही सॉल्व करना था, डी सी और एफ जी, उसके बाद ए सी अपान एफ जी, डी सी अपान एच जी, यही सॉल्व करना था, इसलिए उस मेथड को ले लिए। फिर हम कर सकते हैं एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के, क्योंकि उसी में है, कहाँ पे देख रहे हैं, फ्रॉम फाइव से, फ्रॉम फाइव, फ्रॉम फाइव से लिख लिए। तो अब बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये तो ना सॉल्यूशंस ही है, ऑफ सिमिलरिटी मतलब उसकी सिमिलरिटी बता रहा है, सिमिलरिटी। कैमरे में अच्छे से दिख रहा ना कुछ भी दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और हाँ वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए। तो ए ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ये किसको किसको दर्शाता है, यही सी डी अपान, क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है ना सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, ए सी अपान एफ जी, ये कंडीशन हो सकती है। प्रूफ क्या करना था, यही करना था सी डी अपान जी एच ए सी अपान एफ जी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम सिमिलरिटी मिल रही है, तुरंत डाल दीजिए हैंस प्रूफ। तो ये तो हुआ बात फर्स्ट की, अब नाउ चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम सेकंड मेथड की यानी कि इसकी बात करते हैं, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। नाउ उसके पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए, जिससे कि आपको सब कुछ मिलता रहे, साथ साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर में पीडीएफ नोट्स भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों ये आपका कंडीशंस हो गया, अब नाउ हम आगे देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ओके ये रहा फर्स्ट कंडीशंस सॉल्व हो चुका है, और फर्स्ट स्टेप आपको क्या मिला था ये फाइंड कर चुके हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप नंबर, अगर आपको फर्स्ट डालना हुआ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आपको क्या लिए थे, ए डी सी लिए थे, ए डी सी एंड फिर हम लिए थे सिमिलरिटी टू एफ जी एच, एफ ट्राइंगल एफ जी, तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट रहते हैं, ओके रखे रहते हैं, हो सकता है आवश्यकता पड़ जाए। चलिए अब ना हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप दिया गया है डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, ट्राइंगल एच जी ई दिया क्या गया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस, थोड़ा सा मेथड आपको ये लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट हम डी ए सी और एच एफ जी ये सॉल्व किए थे, बट इसमें क्या करना था कि डी सी बी, डी सी बी नाउ ये वाला, अभी तो जस्ट बताए थे ना ए बी सी में डबल ट्राइंगल, एक तो ए डी सी था एक डी बी सी है, तो अभी हमको लेना है डी सी बी फिर एच जी ई, ओके यही ना सॉल्यूशन साथ हम लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं इसके प्रोसेस के हिसाब से, सेकंड से, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों तो हम सी और डी एंगल करेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों तो बाइसेक्टर्स हैं, तो बचता क्या है बी एंड डी बचता है, ये किस कंडीशन से, फ्रॉम सेकेंड मेथड से, यानी कि ये रहता है सेकेंड मेथड, ओके फिर कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ इसको रिमूव कर लेंगे तो बताने के लिए बताया गया, फिर उसमें तो एंगल टू इक्वल टू फोर किए थे उस ट्राइंगल्स में, बट ये ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो इसमें एंगल वन है, और एंगल यानी कि हाफ एंगल से इक्वल टू हाफ एंगल जी है, तो उसमें डबल मेथड एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री के था ये देख रहे हैं, और एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर के, वो तो उस कंडीशन में हुआ, ये हो जाएगा एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, फ्रॉम किस से, फ्रॉम फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ कुछ मिला, ये एंगल हुआ बाय एक ए एंगल एक ए एंगल, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ये समझने के लिए है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल करके तुरंत डायरेक्ट आपको करना क्या था, ट्राइंगल डी सी बी इज पैरेलल यानी कि सिमिलर टू किसके है, ये नौ सेकंड लेसन के हैं। चलिए बच्चों तो वो कंडीशंस क्या होगी, यानी कि डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ट्रायंगल एच जी ई, तो ये तो कंडीशंस आपका प्रूफ हो गया, बाई एंगल एंगल लिख सकते हैं या फिर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया आप सिमिलरिटी कुछ भी आप लिख सकते, सिमिलरिटी हाँ सही,
ओके तो ये तो आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब नाउ बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट दिया गया है डी सी ए। नाउ वही प्रोसेस डी सी ए एंड सिमिलर टू एच जी एफ। एच जी एफ अभी अभी जस्ट नाउ हम जब फर्स्ट वाले में पार्ट में सॉल्व किए थे। चाहे आप ए डी सी लिखिए या फिर सी डी ए या डी ए सी डी सी ए। अरे भैया उस ऐसा देखा ऐसा हाथ है, चाहे इसको ऐसे घुमाइए या फिर ऐसे घुमाइए, कैसे भी करिए, बस थोड़ा सा राउंडिंग हो रहा है लेकिन स्टेप जो हैं वही आ रहे हैं। तो इसमें भी आपके डी सी ए, ये रहे आपके डी सी ए या फिर ए डी सी, एच जी एफ एफ जी एस। तो हम लिख देंगे नाउ थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में लिखेंगे नाउ जस्ट वी प्रूव फर्स्ट पार्ट। अभी अभी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया जिससे हमारा ये आ जाता है ट्राइंगल डी सी ए इस पैरालेल टू ये इसके हाँ एंड करके हम लिए थे ना, दोनों क्वेश्चंस लिए थे एच जी एफ, एच जी एफ हुआ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहने का मतलब वही आपका मेथड सॉल्व हुआ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर हो तो आप यू डिस्कस विथ मी, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन मैटर से। चलिए ऑनलाइन से आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में, बच्चों सही मजाक नहीं ना समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ओके तो चलिए नाउ नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के। यही लेक्चर्स रहेगा, 11th एंड 12th क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कुछ इससे भी ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग रहा होगा, ऐसे सेम वो भी मजाक के आए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, गॉड ब्लेस यू डियर, और लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको पीडीएफ नोट्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू बच्चों, चलिए।